अनलिमिटेड बॉलीवुड गॉसिप्स एंड लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए सिने आप्पा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। क्या बैन होगी आदिपुरुष मूवी? क्या फैंस कर देंगे मूवी को बैन? बता दें कि कई धार्मिक संस्थानों ने इस मूवी पर रोक लगाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस मूवी में कई आपत्तिजनक सीन्स हैं, जैसे कि रावण को पुष्पक विमान की जगह एक ड्रैगन पे आना, हनुमान जी को चमड़े का वस्त्र पहने दिखाना, तो वही माता सीता को स्लीवलेस कपड़ों में दिखाना। ऐसे कई और सीन्स भी हैं जिनसे कई धार्मिक संस्थाओं ने अपनी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तो उनके लुक को आतंकी खिलजी तक से कंपेयर कर दिया है। सबसे अधिक बवाल सैफ अली खान के रावण अवतार पर बवाल मचा है। लोगों का कहना है कि रावण बने सैफ अली खान रावण नहीं बल्कि खिलजी अथवा मुगल शासक अधिक नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि अपने शीशों को काटकर भगवान शिव की पूजा करने वाला रावण बिना त्रिपुंड तिलक लगाए कुछ कार्य नहीं करता था। बता दे कि आदिपुरुष मूवी के डायरेक्टर ओम राउत जी है जिन्हें इसी साल तानाजी मूवी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है और उन्होंने लोकमान्य फिल्म भी डायरेक्ट की है जिसके लिए उन्हें 52 महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड 2015 भी मिल चुका है। आदिपुरुष को भारत में बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। 500 करोड़ों में से 250 करोड़ वीएफएक्स पर खर्च किए गए हैं। अकेले प्रभास ने 120 करोड़ की भारी भक्कम फीस ली है। यह फिल्म टी सीरीज और रेट्रो के बैनर तले भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने प्रोड्यूस की है। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं।